हेलो दोस्तों पिछले पार्ट में मैंने आपको इसकी मेजरमेंट बताई थी किस तरह से कितने स्टिचेस रखने हैं जिससे आप इस साइज में स्वेटर बना सकते हो तो आज हम इसमें किस तरह से ये डिज़ाइन डालेंगे वो देखेंगे तो ये मैंने एक टाइम रिपीट करा है इसे जैसे मैंने आपको मेजरमेंट में बताया था उसी तरह से रिपीट करा है मैं आपको एक सेट बना के दिखाऊँगी एक सेट बनाऊंगी क्योंकि इतना बड़ा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक सेट को रिपीट करूंगी अगेन आप उसे आ, रिपीट करते जाइएगा नेक्स्ट करके तो शुरू करते हैं ये हमारी रो वन है रो वन से शुरू करेंगे ग्यारह के सॉरी बारह के, के, के मल्टीपल में स्टिचेस डाल लीजिए और रो वन से शुरू करेंगे मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है मैंने डायरेक्ट इसे डिज़ाइन से ही शुरू करा है क्योंकि डिज़ाइन बहुत लेंथी है बॉर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये रो वन है मैं एक रिपीट बनाऊंगी उसके बाद नेक्स्ट आपने रिपीट बनाना है इसमें मैंने एक एक स्टिच एक्स्ट्रा रखा है जिससे मैं आपको डिज़ाइन कवर करके दिखा सकूँ किस तरह से बनेगा तो एक फ्रंट में और एक बैक में मैंने एक्स्ट्रा रखा है स्टिच आपने बारह स्टिचेस का ही डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन शुरू करते हैं ये आप स्लिप मत करिएगा जैसे मैं स्लिप कर रही हूँ आप स्लिप नहीं करिएगा ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है डिज़ाइन के लिए जिससे डिज़ाइन कवर हो आप शुरू करोगे तो पहला स्टिच यान ओवर करिएगा पहले ही स्टिच में आपने धागा अपनी तरफ कर लेना है एक सीधा बनाएं फिर से धागा अपनी तरफ करके ग्यारह सीधे बनाएं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बनाने के बाद फिर से अगेन यान ओवर करिएगा एक सीधा यान ओवर फिर ग्यारह सीधे इसी तरह से करके बनाइएगा और ये मैं दो इसमें सैंपल बना रही हूँ सिंगल पीस में तो ये मेरे पास दो सिलाइयाँ हैं आप जब सर्कुलर नीडल में बनाओगे तो आपकी अगेन जो सिलाई आएगी यान ओवर होने के बाद यहाँ पे आप जब कंप्लीट कर लोगे सर्कल कंप्लीट करोगे तो एक सिलाई आपने सारे स्टिचेस सीधे में फिर से बना लेनी है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं उल्टी सिलाई बनाते हैं वैसे ही आपने जब राउंड में बनाओगे तो एक सिलाई पूरा सीधे में बना के कम्प्लीट कर लीजिएगा तो इसे आप पहले बना लीजिए इसे कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद एक सिलाई सीधी और बना लीजिएगा जिससे हमारे यान ओवर वाले स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे रो थ्री बनाएंगे ये इसे काउंट मत करिएगा धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे बनाएं एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे ग्यारह सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इसी तरह से रिपीट करते जाएं फिर से अगेन यान ओवर करें एक सीधा सॉरी तीन सीधे यान ओवर फिर ग्यारह इसी तरह से रिपीट करते हुए इसे बना लें और उसके बाद एक सिलाई और सीधी डाल लें एक सिलाई सीधी डाल ली है या नोबर वाले स्टिच बन गए हैं धागा अपनी तरफ करें पांच सीधे बनाएं। एक दो तीन चार पांच। धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार एक स्टिच को स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं। और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें तीन स्टिचेस का एक बना लिया हमने अगेन चार सीधे एक दो तीन चार अब फिर से यान ओवर करिएगा फिर उसके बाद पांच सीधे फिर यान ओवर फिर चार सीधे तीन स्टिचेस का एक बनाइएगा और फिर चार सीधे इसी तरह से रिपीट करते जाएं और उसके बाद एक सिलाई और सीधे की बना लें एक सिलाई हमने सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है जिसमें हमारे यान ओवर वाले स्टिचेस बन गए हैं तो धागा अपनी तरफ करें सात सीधे बनाएं एक दो तीन चार पाँच छ सात धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन अब यहाँ पे फिर से अगेन तीन स्टिचेस को एक साथ बनाना है तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें अगेन तीन सीधे एक दो तीन फिर से यान ओवर करेंगे सात स्टिच सीधे बनाएंगे फिर यान ओवर करके तीन सीधे फिर तीन, तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे और फिर तीन सीधे इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे और उसके बाद एक सिलाई हम फिर से सीधे में बनाते हुए कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें दो स्टिचेस लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे पांच सीधे एक दो तीन चार पाँच अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो सीधे एक दो अब अगेन तीन स्टिच को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें दो स्टिचेस एक साथ बनाएं और इसे पास कर दें ऊपर से इस तरह से और दो सीधे एक दो अगेन यान ओवर से रिपीट करें और इसे कंप्लीट करके एक सिलाई सीधा बनाते हुए फिर से बना लें सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है अगेन डिजाइन वाली रो आ गई है धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें वापस से सिलाई में लें और दोनों को एक साथ बना दें तीन सीधे एक दो तीन अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे तो इस तरह से लेके इन्हें दोनों को एक साथ बना दें धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा आगे करके एक सीधा और अब तीन स्टिचेस को फिर से एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें दो स्टिच को इस तरह सीधा बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें एक सीधा अगेन यहाँ से यान ओवर से रिपीट शुरू करिएगा यान ओवर बना के फिर से रिपीट शुरू करें और उसके बाद कंप्लीट करके एक सिलाई सीधे में फिर से दोबारा बना लें प्लेन सिलाई बना ली है एक अब अगेन डिजाइन वाली रो में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करें एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करके एक सीधा तीन स्टिचेस हमने बनाए हैं यहाँ पे धागा आगे करके एक दो तीन फिर से धागा अपनी तरफ करें अब दो स्टिच को लेफ्ट साइड एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें और दोनों को एक साथ बना दें एक सीधा अगेन राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करें एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके एक सीधा तीन बार हमने बना लिया अब हमारे पास यहाँ पे फिर से तीन स्टिचेस आ गए हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीनों स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें अगेन फिर से यान ओवर करके आपने एक दो तीन चार चार बार आपने यान ओवर करनी है और तीन सीधे बनाने हैं यान ओवर एक सीधा यान ओवर दो सीधा यान ओवर तीन सीधा यान ओवर करके फिर उसके बाद इन यहाँ पे डिक्रीज करेंगे लेफ्ट साइड में फिर एक सीधा फिर राइट साइड में अगेन फिर तीन सीधे करेंगे यान ओवर से और तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे इसी को रिपीट करते जाएं यान ओवर से शुरू करके और उसके बाद जब आपकी रो कंप्लीट हो जाए डिज़ाइन वाली तो एक सिलाई प्लेन में बना लें सीधा सीधा बनाते हुए उसे कंप्लीट कर लें सीधी लाइन बना ली है सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं तो अब हमें यहाँ पे फाइव स्टिचेस बनाने हैं यान ओवर करते हुए तो एक सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें दो फिर से धागा अपनी तरफ करें तीसरा सीधा स्टिच बनाएं, धागा अपनी तरफ करें चार धागा अपनी तरफ करें और पाँच पांच बार हमने धागा अपनी तरफ करके सीधे स्टिचेस बना लिए हैं अगेन धागा अपनी तरफ करें अब दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएं। स्लिप करेंगे वापस सिलाई में लेंगे धागा मेरी तरफ ही है और इस तरह से दो स्टिचेस को एक साथ बना देंगे धागा अपनी तरफ करें अब ये तीन स्टिच आ जाएंगे आपके यहाँ ये सेंटर में तो इन्हें तीन का एक करना है तो स्लिप करें दो स्टिच को एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें इस तरह से धागा अपनी तरफ करें अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे तो इन्हें इसी तरह से धागा अपनी तरफ रख के सीधा बना दें धागा अपनी तरफ करें अगेन पांच स्टिच हमें फिर से यान ओवर करके बनाने हैं तो धागा मेरी तरफ है एक सीधा बना लिया धागा अपनी तरफ करें दो फिर से धागा अपनी तरफ करें तीन फिर से धागा अपनी तरफ करें चार धागा आगे करके पाँच ये हमने पांच सीधे स्टिच फिर से दोबारा रिपीट कर लिए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके यहाँ से दोबारा से एक जो हमने पांच सीधे बनाए थे यान ओवर करके इसी को दोबारा से आप रिपीट करिएगा इसे धागा आगे कर लीजिएगा और उसके बाद फिर से दोबारा सीधे बनाइएगा तो अगेन पांच सीधे बना के फिर से इसे रिपीट करें और डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद एक रो जो है आपने सीधे में बनानी है सारी सिलाई सीधे में बना लें सीधी बना के हमने रो कंप्लीट कर ली है जिसमें हमारे यानओवर वाले स्टिचेस सीधे बन गए हैं अगेन डिज़ाइन शुरू करेंगे तो ये वाले स्टिच को काउंट मत करिएगा स्लिप करिए दो स्टिचेस को लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें अगेन फिर से स्लिप करके वापस सिलाई में लें और दो स्टिच एक साथ बनाएं फिर से धागा अपनी तरफ करें और दो स्टिचेस स्लिप करके लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे ये हमने तीन बार बना लिया है लेफ्ट साइड को अगेन फिर से धागा अपनी तरफ करें और स्लिप करेंगे और दोबारा से फिर से लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें अगेन फिर से लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ फिर से बनाएं ये हमने टोटल छः बार बनाया है यानोवर करके दो स्टिच एक साथ छः बार बनाए हैं एक दो तीन चार पाँच छ छः बार हमने इसे बना लिया है अब ये सेंटर वाला स्टिच आ जाएगा आपका तो इसे आप सीधा बना लें इस तरह से जैसे हमने लेफ्ट साइड को छः बार करा है उसी तरह से हम राइट साइड को भी छः बार दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे तो दो स्टिच पहले राइट साइड को एक साथ बनाएं, धागा अपनी तरफ करें फिर से अगेन दो स्टिच राइट साइड को बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें दो का एक करिए राइट साइड को धागा अपनी तरफ करिए फिर से एक बार ये हमारे एक दो तीन चार बार हमने कर लिया ये पांच हो गए दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें और यह बार हो गया दो स्टिच एक साथ बनाएंगे इस तरह से आपने छः बार इस तरफ से बनाया और छः बार इस तरफ से बनाया ये हमारा सेंटर था सेंटर वाला स्टिच हमने एक सीधा बनाया है अगेन धागा अपनी तरफ करें और तीन सीधे बनाएं एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से रिपीट शुरू करेंगे लेफ्ट साइड को छः बार हमने जैसे दो स्टिच एक साथ बनाए थे उसे रिपीट शुरू कर देंगे दोबारा से बनाना सर्कल को कंप्लीट कर लें और एक सिलाई सीधा बनाते हुए फिर से बना लें तो इसे बना कंप्लीट कर लें सीधा बनाते हुए एक रो को कंप्लीट कर लिया है अगेन डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं स्लिप करिए दो स्टिचेस को और दोनों को एक साथ बना दीजिए धागा अपनी तरफ करेंगे अब पहले हमने छ बार करा था अब हम पाँच बार इस तरह से लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे तो एक बार हो गया धागा आगे कर लिया फिर से अगेन दो स्टिच एक साथ बनाएं लेफ्ट साइड को दो धागा आगे करेंगे स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिच एक साथ बनाएं, तीन धागा अपनी तरफ करें स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं, चार धागा अपनी तरफ करके स्लिप करके दो स्टिच एक साथ बनाएंगे पाँच हमने ये पांच बार बना लिया अब हमारे यहाँ पे सेंटर में तीन स्टिच आ जाएंगे जब आप बनाओगे तो यहाँ पे तीन स्टिच आ जाएंगे तो इन्हें तीनों को एक साथ बनाना है तो स्लिप करें और दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें इस तरह से अगेन पास करने के बाद यान ओवर करेंगे धागा अपनी तरफ करें और राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे तो इस तरह से राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं एक फिर से यान ओवर करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे दो यान ओवर करें दो स्टिच एक साथ बनाएं तीन यान ओवर करें दो स्टिच एक साथ बनाएं, चार यान ओवर करें दो स्टिच एक साथ बनाएंगे पाँच ये हमने पांच बार बना लिया है धागा अपनी तरफ करेंगे पांच सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच अगेन धागा आगे करेंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड दो स्टिच एक साथ बना के इसे रिपीट शुरू करेंगे और डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद एक रो जो है सीधी बना लेंगे तो सीधे की बना के इसे कंप्लीट कर लें सीधा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है अगेन डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं फिर से स्लिप करेंगे सॉरी पहले यान ओवर कर लीजिए पहले यान ओवर कर लीजिए इसे अकाउंट मत करिएगा धागा अपनी तरफ रख के लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे, अगेन धागा अपनी तरफ करें फिर से दो स्टिच एक साथ बनाएं, स्लिप करें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बना दें फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और स्लिप करके दो स्टिच जो हैं लेफ्ट साइड को बनाएंगे एक दो तीन चार एक बार और बनाएंगे पांच बार हमें स्लिप करके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाने हैं इस तरह से इसी तरह कंप्लीट कर लें इसे और फिर अगेन एक सीधा ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है वहाँ पे आ गए हैं तो एक सीधा बना लिया है हमने राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें फिर से दो स्टिच एक साथ बनाएं राइट साइड को अगेन दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे ये हमने तीन बार बना लिया एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करें दो स्टिच एक साथ बनाएं पाँच धागा अपनी तरफ करेंगे सात सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और यहाँ पे आपने सात बनाने के बाद आपने अगेन यहाँ पे यान ओवर करा हुआ है तो यहाँ पे यान ओवर करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ से आपने अगेन यान ओवर से आ, रिपीट शुरू करिएगा और इसे कंप्लीट करिएगा डिज़ाइन वाली रो को और उसके बाद एक सिलाई सीधे में बना लें सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं इसे काउंट मत करिएगा धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब हम चार बार लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे यान ओवर करते हुए तो धागा अपनी तरफ कर लें स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिच को इस तरह से एक साथ बना लें अगेन स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ कर लें स्लिप करके दो स्टिच एक साथ दो बार बन गई ये धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से स्लिप करेंगे और दो स्टिच एक साथ तीसरी बार बना लिया धागा अपनी तरफ करके फिर से स्लिप करेंगे और दो स्टिच एक साथ ये हमने चार बार जो है बना लिया है इसे धागा अपनी तरफ करेंगे अब आपके यहाँ पे सेंटर में तीन स्टिच आ जाएंगे ये देखिए इस तरह से तो इन्हें स्लिप करिए दो स्टिच को एक साथ बनाइए और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दीजिए इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन अब हम राइट साइड को चार बार दो स्टिच एक साथ बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करें दो स्टिच को एक साथ बना दें फिर से धागा अपनी तरफ करें और इस तरह से दो स्टिच को एक साथ बनाएं दो फिर से धागा अपनी तरफ करके तीन फिर से धागा अपनी तरफ करके चार तो ये हमने चार बार बना लिया फिर से तो अगेन धागा आगे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें अब दो स्टिच हमें लेफ्ट साइड को एक साथ बनाने हैं इस तरह से स्लिप करें दो स्टिच को एक साथ लें और सीधा बना दें तीन सीधे एक दो तीन अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे इस तरह से और फिर अगेन यान ओवर से यहाँ से हमने जो यान ओवर करा था वहाँ से रिपीट शुरू करेंगे और सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद एक सिलाई सीधा बनाते हुए फिर से डाल लेंगे इसे कंप्लीट कर लें रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है सीधी तरफ आ गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें चार बार लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बनाने हैं यान ओवर करते हुए तो धागा अपनी तरफ करें स्लिप करें स्टिच को वापस सिलाई में लें और इसे दो का एक कर दें अगेन धागा अपनी तरफ करें स्लिप करके वापस सिलाई में लें और दो स्टिचेस एक साथ बना दें ये दो बार हो गया धागा अपनी तरफ करें दो स्टिच को एक साथ बनाएं तीन धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिच को एक साथ बनाएंगे चार ये हमने चार बार बना लिया अब आपका यहाँ पे सेंटर वाला स्टिच आ जाएगा तो इसे आप सीधा बना दें अगेन फिर से राइट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें फिर से दो स्टिच एक साथ दो बार बना लिए धागा अपनी तरफ करें तीसरी बार फिर से दो स्टिच एक साथ अगेन धागा आगे करके ये हमारा चार बार दो स्टिचेस एक साथ बना लिए हमने राइट साइड को धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें लेफ़्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बनाने हैं तो स्लिप करें वापस से सिलाई में लें और दो स्टिचेस को एक साथ बना दें एक सीधा और दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे इस तरह से अगेन यहाँ से आ, रिपीट शुरू करिएगा जहां से हमने यान ओवर से शुरू करा है यान ओवर तीन सीधे यान ओवर इसी को रिपीट करके सर्कल में कंप्लीट कर लें और एक सिलाई सीधा बनाते हुए फिर से डाल लें सीधा बनाते हुए लाइन को कंप्लीट कर लिया है डिजाइन वाली रो में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे पांच सीधे एक दो तीन चार पांच धागा अपनी तरफ करेंगे अब लेफ़्ट साइड बनाते हुए तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे तो तीन बार करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाते हुए तो धागा अपनी तरफ करें स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिचेस को एक साथ बना दें एक धागा अपनी तरफ करेंगे स्लिप करेंगे वापस सिलाई में लेके दो का एक करेंगे दो धागा अपनी तरफ करें और स्लिप करके वापस सिलाई में लेके दो स्टिचेस एक साथ बनाएं तीन ये हमने तीन बार बना लिया है धागा अपनी तरफ करेंगे अब आपके पास यहाँ पे तीन स्टिचेस आ जाएंगे तो इन्हें तीन का एक करना है तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें इस तरह से अगेन धागा आगे करें और राइट साइड को तीन बार दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे धागा आगे करते हुए तो धागा आगे करेंगे दो एक साथ बनाएं एक फिर से धागा अपनी तरफ करें दो स्टिच एक साथ बनाएं, दो बार बना लिए धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे ये हमने तीन बार कर लिया धागा अपनी तरफ करेंगे पांच सीधे एक दो तीन चार पाँच धागा अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पे आपके पास तीन स्टिचेस होंगे तो इन तीनों को हम तीन, तीन का एक करेंगे तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें अगेन यार्न ओवर से शुरू करें और रिपीट करते हुए सर्कल को कंप्लीट कर लें और एक सिलाई जो है आपने सीधा बनाते हुए उसके बाद डालनी है तो इसे बना के कंप्लीट कर लो एक सिलाई सीधी बना के हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है अगेन डिजाइन शुरू करेंगे तो इसे काउंट मत करिएगा दो स्टिच स्लिप करेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे अगेन पांच सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ करेंगे अब तीन बार हमें दो स्टिचेस एक साथ करते हुए लेफ्ट साइड को तीन बार बनाने हैं तो धागा अपनी तरफ कर लें और स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिच एक साथ बना दें फिर से धागा अपनी तरफ करें स्लिप करें वापस सिलाई में लेके दो स्टिच एक साथ फिर से स्लिप करेंगे वापस सिलाई में लेंगे और दो स्टिच एक साथ बनाएंगे ये हमने तीन बार कर लिया एक दो और तीन अब ये आपका सेंटर वाला स्टिच आ जाएगा इसे आप सीधा बनाएं अगेन यहाँ से राइट साइड से दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें और अगेन एक बार फिर से दो स्टिच एक साथ बनाएंगे ये हमने तीन बार राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बना लिए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे पांच सीधे एक दो तीन चार पांच अब दो स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा आगे करके आपने यहां से शुरू करना है लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाते हुए फिर से इसे रिपीट करके डिजाइन को कंप्लीट कर लें राउंड करके और जब आप उसके बाद आपने एक सिलाई सीधे में बनानी है सीधी सीधी करते हुए एक सिलाई बना लें सीधा बनाते हुए एक सिलाई हमने प्लेन डाल ली है अब डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है इसे स्लिप करें और वापस सिलाई में लें और तीन स्टिच को इस तरह से लेफ्ट साइड को एक साथ बना देंगे तीन का एक कर दिया है हमने तीन स्टिचेस एक साथ बना लिए हैं चार सीधे बनाएं एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे अब दो बार हमें लेफ़्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बनाने हैं तो धागा अपनी तरफ कर लें और स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिच एक साथ बनाएं धागा अपनी तरफ करें स्लिप करें वापस सिलाई में लेके दो स्टिच एक साथ बनाएंगे ये हमने दो बार बना लिया धागा आगे करेंगे अब यहाँ पे आपके सेंटर में तीन स्टिच आ गए हैं तो इन्हें सेम वैसे ही स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करें अब अगेन राइट साइड को भी हम दो बार आ, दो का एक करेंगे तो धागा अपनी तरफ करें और इस तरह से दो स्टिच लेके दो का एक कर दें धागा अपनी तरफ करें फिर से दोबारा दो स्टिच लेके दो का एक कर दें ये हमने राइट साइड को भी दो बार कर लिए जैसे हमने लेफ्ट साइड को करे थे उसी तरह से कर लिए धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार अब राइट साइड को तीन स्टिच एक साथ बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड को बनाए थे तो इस तरह से तीनों स्टिचेस को सिलाई में लें और सीधा बना दें ये राइट साइड को हो गया हमारा स्टिच धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और अगेन यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने तीन स्टिच एक साथ बनाए थे लेफ्ट साइड को उससे शुरू करें और डिज़ाइन वाली रो को कंप्लीट कर लें और एक सिलाई सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लें सीधा बनाते हुए हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है डिजाइन वाली रो में आ गए हैं यहाँ से डिजाइन शुरू करेंगे इस स्टिच को काउंट मत करिएगा स्लिप करेंगे वापस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे लेफ्ट साइड को दो बार हम दो का एक करेंगे तो स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिच एक साथ बनाएं अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे स्लिप करेंगे वापस सिलाई में लेंगे और दो स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे ये हमने दो बार बना लिया है इसे तो धागा अपनी तरफ करें यहाँ पे अब आपके पास एक स्टिच आ गया है तो इसे एक जो है हमारा स्टिच इसे बनाएंगे तो यहाँ पे हमने दो बार दो स्टिच एक साथ बना के एक सीधा अगेन अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें फिर से दो स्टिच एक साथ बनाएं, धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पे आपके तीन स्टिचेस आ गए होंगे तो इन्हें तीन का एक करना है तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और अगेन यहाँ से दो स्टिचेस एक साथ लेफ्ट साइड को इसी को रिपीट करना शुरू कर देंगे और एक सिलाई डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद एक सिलाई और एक्स्ट्रा डालेंगे सीधे सीधे में उसमें कुछ नहीं करना है सारी सिलाई सीधी बना लेनी है एक सिलाई सीधे में कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन बनाने के बाद अगेन डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं स्लिप करेंगे पहले स्टिच को वापस सिलाई में लेंगे और दो स्टिच इस तरह से लेफ्ट साइड को एक साथ बना देंगे चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें लेफ़्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाने हैं एक बार ही बनाएंगे स्लिप कीजिए धागा वापस सिलाई में लेके इस तरह से दो स्टिच एक साथ बना दें धागा अपनी तरफ करेंगे अब आपके पास यहाँ पे तीन स्टिच आ जाएंगे। तो स्लिप करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर देंगे तीन का एक कर देंगे अगेन धागा अपनी तरफ करें और दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं। धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं। धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से दोबारा रिपीट शुरू करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बना के दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे डिज़ाइन वाली रो को कंप्लीट कर लें और उसके बाद एक सिलाई सीधे में बना लें सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाले रो में आ गए हैं पहला स्टिच स्लिप करेंगे और दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें चार सीधे एक दो तीन चार दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बना दें धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब आपके पास यहाँ पे तीन स्टिच होंगे इन्हें तीन का एक करना है तो स्लिप करें दो स्टिच बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से इस तरह से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे फिर आपके पास यहाँ पे तीन स्टिच आ जाएंगे तो स्लिप करें और दो स्टिच बनाएं, इस तरह से दो दो का एक कर लें और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर लें अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और दो लेफ़्ट साइड को स्टिच बना के इसे रिपीट शुरू करेंगे डिज़ाइन को सर्कल में कंप्लीट कर लें और उसके बाद एक सिलाई सर्कल में फिर से दोबारा सीधे में बना लें सीधा बनाते हुए एक सिलाई हमने डाल ली है डिजाइन वाली रो में आ गए हैं स्लिप करेंगे पहले स्टिच को वापस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बना देंगे चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे अब आपके पास यहाँ पे तीन स्टिच होंगे ये वाले जैसे हम तीन का एक कर रहे थे हर बार वो वाले आ गए हैं तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब दो स्टिचेस को लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें वापस से सिलाई में लें और दो स्टिचेस को एक साथ बना दें एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बना के इसे दोबारा से रिपीट करके सर्कल को कंप्लीट कर लें और एक सिलाई सीधे में बना लें सीधा बनाते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली है फर्स्ट स्टिच को स्लिप करिए वापस सिलाई में लीजिए और दो स्टिच इस तरह से एक साथ बना दें नौ सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करें अब तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे यहाँ पे आपके तीन स्टिच आ गए हैं तो स्लिप करें दो स्टिच बनाएं सीधा और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब आपके पास अगेन यहाँ पे तीन स्टिच आ गए हैं तो स्लिप करें दो स्टिच को एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करें अगेन यहाँ पे आपके पास तीन स्टिच हैं तो इन्हें तीन का एक करना है स्लिप करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और दो स्टिच लेफ्ट साइड को बना के इसे रिपीट शुरू करेंगे और सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपने एक सिलाई सीधे में फिर से बनानी है तो इसे बना लें सीधा बनाते हुए एक सिलाई कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं स्लिप करेंगे पहले स्टिच को वापस सिलाई में लेके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बना देंगे सात सीधे बनाएं, एक दो तीन चार पाँच सात, अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें अब दो स्टिचेस इस तरह से लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करेंगे सिलाई में वापस लें और दो स्टिच एक साथ बना दें एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ करें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं, स्लिप करेंगे वापस सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे एक सीधा अगेन राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं, धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो स्टिच जो लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाए थे इससे दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे और इसे कंटिन्यू करके बनाते जाएंगे और एक सिलाई फिर उसके बाद सीधे की डाल लें तो इसे कंप्लीट कर लें सीधी सिलाई बना ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं पहला स्टिच स्लिप करें दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बना दें इस तरह से पांच सीधे एक दो तीन चार पाँच दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब तीन स्टिच यहाँ पे हैं तो इन्हें तीन का एक करना है स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन यहाँ पे तीन स्टिचेस को एक साथ बनाना है स्लिप करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे बनाएं एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पे फिर से वैसे ही तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन स्टिच को एक साथ बनाएंगे स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके फिर से दो स्टिचेस लेफ्ट साइड को एक साथ बनाते हुए इसी तरह से इसे रिपीट करते जाएंगे और उसके बाद एक सिलाई सीधे में बना लें सीधी तरफ हमने बना ली है एक सिलाई प्लेन में अब हम डिज़ाइन वाली रो बनाएंगे तो स्लिप करें पहले स्टिच को वापस सिलाई में लें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बना दें तीन सीधे एक दो तीन अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें अब लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो का एक कर दें एक सीधा अगेन राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से अगेन राइट लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें फिर से दोबारा से वैसे ही सेम अगेन आ, दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक सीधा राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा बनाएं। धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बना के इसे दोबारा से रिपीट करते जाएंगे और एक सिलाई एक सीधे में फिर से बना लेंगे तो इसे बना लें सीधी सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली है डिजाइन वाली रो में आ गए हैं पहला स्टिच स्लिप करके वापस सिलाई में लीजिए और दो स्टिच इस तरह से एक साथ बना दें लेफ्ट साइड को एक सीधा अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन यहाँ पे आपके पास तीन स्टिच आ जाएंगे तो तीन का एक करना है स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दीजिए धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन तीन स्टिच आ गए हैं स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन और धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन तीन स्टिच आ गए हैं तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा आगे करके यहाँ से दोबारा रिपीट शुरू करेंगे दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे लेफ्ट साइड को और इसे फिर से रिपीट करते जाएंगे और डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद एक रो आ, सीधे में बना लीजिएगा तो इसे कंप्लीट कर लें डिज़ाइन वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है अगेन यहाँ से शुरू करेंगे इसे काउंट मत करिएगा ये मैंने डिज़ाइन कवर करने के लिए रखा है तो पहले आप जब रो शुरू करोगे तो धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा यहाँ पे अब हमारे पास तीन स्टिचेस हैं तो तीन का एक करेंगे स्लिप करिए दो स्टिच एक साथ बनाइए और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दीजिए धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें और दो स्टिच को एक साथ बनाएं एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके फिर से लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा बनाएं फिर से धागा अपनी तरफ करके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनेंगे एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करें और यहाँ से दोबारा से आप रिपीट शुरू करिएगा अगर आपने यहाँ पे धागा अपनी तरफ करा है तो यहाँ मत डालिएगा यहाँ पे तीन का एक करके इसे रिपीट करिएगा तो इसी को इसी तरह से रिपीट करते जाएं और एक सिलाई सीधी बना लें सीधी सिलाई हमने डाल ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पे तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और इसे इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन फिर से तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे स्लिप करें दो एक साथ बनाएं और तीसरे को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे पहला स्टिच स्लिप करें दो एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करें अगेन तीन स्टिच एक साथ स्लिप करेंगे दो सीधे बनाएंगे एक साथ और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब फिर अगेन स्लिप करेंगे स्टिच को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन स्लिप करेंगे एक स्टिच को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे इसी तरह से इसे रिपीट करते जाएं, अगेन यान ओवर से शुरू करेंगे तीन सीधे यान ओवर और इसे रिपीट करके सर्कल में कंप्लीट कर लें और एक सिलाई सीधे में और बना लें सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं पहले स्टिच को स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बना दें एक सीधा अगेन दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिच लेफ्ट साइड को बनाएंगे एक साथ तो स्लिप करें वापस सिलाई में लें और दो का एक कर दें एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा और दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें ये हमने अब यहाँ पे एक एक बार हमने यहाँ पे आ, दो स्टिचेस ये इस तरह से बनाए हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड करके एक और दो और तीन तीन बार हमने बना लिया है एक दो और तीन तीन बार बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करें एक सीधा बनाएं फिर से धागा अपनी तरफ करके अगेन अब हम फिर से इसी तरफ को राइट साइड को फिर से दोबारा से इसे शुरू करना है हमें तो यहाँ पे हमारा एक आ गया है एक सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन बार आपने लेफ्ट और राइट साइड की जो हम आ, कर रहे थे इस तरह से ये बना रहे थे आ, ट्राइंगल वो हमने तीन बार कर लिया है एक बार यहाँ पे करा स्टार्टिंग में फिर उसके बाद एक सीधा बनाया यान ओवर करके दूसरी बार बनाया फिर से एक बार बनाया फिर यान ओवर करके हमने तीसरी बार लेफ्ट और राइट से एक एक स्टिच को कम करा था ये हमने फिर से एक स्टिच बना के यान ओवर कर लिया है तीन बार इस तरह करने के बाद आपने तीन स्टिच सीधे बनाने हैं एक दो तीन तीन स्टिच सीधे बना लीजिएगा तीन स्टिच सीधे बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर है ये जो हमारा सेंटर है इसे हम शुरू करेंगे तो इसे बनाने के लिए इसे शुरू करने के लिए हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है तो तीन बार हमने इसे कर लिया है अब हम यहाँ पे दो का एक नहीं करेंगे यान ओवर करके एक दो तीन चार पाँच पाँच सीधे बना लेंगे जिससे हमारा ये जो ये जो शेप है ये बनेगी तो ये सेंटर का हमारा बनना शुरू हो गया है यहाँ पे हम पांच बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा फिर से दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा फिर से राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा और उसके बाद फिर से दोबारा धागा अपनी तरफ करें और लेफ्ट साइड से इस तरह से दो स्टिच एक साथ बनाते हुए शुरू करते हुए इसे फिर से दोबारा से कंटिन्यू करें और सर्कल को कंप्लीट कर लें याद रखें यहाँ पे सेंटर में हमें पांच सीधे बनाने हैं इसे आप दो का एक मत करिएगा नहीं तो यहाँ से हमारी डिक्रीज शुरू हो जाएगा जितने हमें स्टिचेस चाहिए उतने नहीं हो पाएंगे तो इन्हें यहाँ से सेंटर में पांच सीधे जरूर बनाइएगा तो इसे कंप्लीट करके एक सिलाई सीधे की डाल लें सीधा बनाते हुए हमने रो को कंप्लीट कर लिया है ये डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं इसे काउंट मत करिएगा पहला स्टिच स्लिप करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन तीन स्टिचेस को एक साथ बनाना है स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे बनाएं, एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक स्टिच को स्लिप करेंगे दो एक साथ बनाएंगे और इसे स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे बनाएं, एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब हम यहाँ पे सीधे स्टिच बनाने वाले हैं तो यहाँ पे अगेन आपने ये सारे स्टिचेस सीधे ही बनाने हैं तो यहां तक आप इन्हें सीधा बना लें तो यहां पे मैंने धागा अपनी तरफ करा था यहाँ तक मैंने इसे सीधा बना लिया है ये वाला मेरा एंगल जो है यहाँ का ये जो है ये बनना शुरू हो गया है तो इसे मैं सीधा बना लूँगी धागा अपनी तरफ करूँगी एक सीधा सॉरी दो सीधे बनाऊँगी यहाँ पे इस तरह से धागा अपनी तरफ करूँगी और यहाँ पे तीन स्टिचेस एक साथ बनाऊँगी स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें अगेन तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे स्लिप वाले स्टिच को दो स्टिच बना के एक साथ स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करूंगी अगेन यहाँ से रिपीट शुरू करूंगी तीन का एक बना के जैसे मैंने शुरू करा था इस तरह से इसे रिपीट करके सर्कल को कंप्लीट करूंगी और एक सिलाई सीधे में बनाऊंगी सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे स्लिप करें वापिस सिलाई में लें और दोनों को एक साथ बना दें एक सीधा अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें राइट साइड लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं स्लिप करें वापस सिलाई में लेके दो का एक कर दें एक सीधा अब राइट right साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं ये हमने दो बार कर लिया है जैसे हमने राइट right और लेफ्ट साइड के दो स्टिच जैसे हमने डिक्रीज करे हैं ये हमने दो बार कर लिया है धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब तेरह स्टिचेस सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह ये तेरह स्टिचेस हमारे बन गए हैं सेंटर के जो हमारा ये सेंटर बन रहा है उसके ये तेरह स्टिचेस हो गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं और फिर यान ओवर से यहाँ से दोबारा से रिपीट करें और इस रो को इसी तरह से कंटिन्यू करके बनाते रहें और एक सिलाई फिर सीधे की बना लें सीधी से सिलाई बना ली है डिज़ाइन वाली सिलाई में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करें तीन स्टिच को एक करना है यहाँ पे तो स्लिप करेंगे दो स्टिच सीधे बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे बनाएं एक दो तीन अगेन फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पे नाइनटीन स्टिचेस आपके सीधे बनेंगे तो इन्हें बना लें धागा अपनी तरफ करें और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह 18, उन्नीस और एक बीस ये हमने बीस स्टिचेस जो हैं वो सीधे बना लिए हैं आपने इन्हें सीधा बनाना है इसमें डिज़ाइन मत बनाइएगा नहीं तो ये वाला डिज़ाइन हमारा खराब हो जाएगा धागा अपनी तरफ करेंगे उन्नीस सीधे बना लिए हैं उसके बाद धागा आगे करेंगे अब यहाँ पे तीन स्टिच एक साथ बनेंगे तो स्लिप करेंगे एक स्टिच को दो एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे दो तीन अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे स्लिप करेंगे एक स्टिच को और दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे और अगेन फिर यहाँ से यान ओवर से रिपीट शुरू करेंगे और इसे इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे और रिपीट करते जाएंगे और एक सिलाई सीधे में बना लें सीधी तरफ हमने बना ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं स्लिप करें पहले स्टिच को वापस सिलाई में लेके दो स्टिचेस एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब दो राइट साइड को फिर से बनाएंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करके अब यहाँ पे ट्वेंटी वन स्टिचेज़ हमें सीधे बनाने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस ये हमने इक्कीस स्टिच जो हैं सीधे सीधे बना लिए हैं इनमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा बनाएं धागा अपनी तरफ करके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे तो स्लिप करें वापस सिलाई में लेके इन्हें दो का एक कर दें एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनेंगे धागा अपनी तरफ करें एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ करके इसे दोबारा से यहाँ से रिपीट शुरू करें लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं एक सीधा और राइट साइड को दो स्टिच बना के एक साथ इसे दोबारा से रिपीट करें डिज़ाइन को कंप्लीट करके एक सिलाई प्लेन में बना लें सीधी सिलाई हमने बना ली है यहाँ पे हमारे पहले तीन स्टिचेस हैं इन्हें तीन का एक करना है तो पहला स्टिच स्लिप करेंगे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें यहाँ पे ट्वेंटी सेवन स्टिचेस सीधे बनाने हैं तो धागा अपनी तरफ़ रख के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस ट्वेंटी सेवन स्टिचेज हमने सीधे में बना लिए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक स्टिच को स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अगेन यहाँ से स्टार्टिंग uh, से शुरू करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे तीन का एक करा था तो इसे रिपीट करें सर्कल को कंप्लीट कर लें एक सिलाई सीधे में उसके बाद डाल लें सीधी सिलाई हमने डाल ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे पहला स्टिच सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके एक सीधा बना लिया धागा अपनी तरफ करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके अब हम यहाँ पे ट्वेंटी नाइन स्टिचेस सीधे में बनाएंगे तो सीधा सीधा इन्हें बना लें इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस उनतीस स्टिच मैंने सीधे सीधे डाल लिए हैं इनमें डिज़ाइन नहीं है सिंपल प्लेन डाले हैं धागा अपनी तरफ करिए एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे एक सीधा और राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे और अगेन फिर से दोबारा यान ओवर से रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ यान ओवर से शुरू करा था वैसे ही रिपीट करते बना बना लीजिए डिज़ाइन वाली रो कंप्लीट करके एक सिलाई सीधी और बना लें सीधा बनाते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें यहाँ पे तीन स्टिचेस एक साथ बनाने हैं तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें यहाँ पे थर्टी फाइव स्टिचेस जो हैं वो सीधे बनाने हैं तो थर्टी फाइव स्टिच कंप्लीट कर लें तैतीस चौंतीस पैंतीस थर्टी फाइव स्टिचेस मैंने इसमें डाल लिए हैं धागा अपनी तरफ करूँगी यहाँ पे तीन स्टिचेस को एक साथ बनाऊँगी तो स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले को इसके ऊपर से पास कर दें अगेन यान ओवर से शुरू करें और इसी तरह से इसे रिपीट करके बना लें डिज़ाइन वाली रो और उसके बाद एक सिलाई सीधे में बना लें सीधी सिलाई हमने डाल ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं तो पहला स्टिच स्लिप करेंगे और वापस सिलाई में लेके दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बना देंगे एक सीधा अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे यान ओवर करेंगे एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और थर्टी सेवन स्टिचेस जो हैं सीधे में बनाएंगे सीधा बनाते हुए थर्टी सेवन स्टिचेस बनाएंगे तो इन्हें बना लें थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी सेवन स्टिचेस हमने सीधे सीधे बना लिए हैं इनमें डिज़ाइन नहीं डाला है धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन धागा आगे करके यहाँ से रिपीट शुरू करेंगे लेफ्ट साइड को दो स्टिचेस एक साथ बना के इस तरह से शुरू करते हुए डिज़ाइन वाली रो को कंप्लीट करें और उसके बाद एक सिलाई सीधे में बना लें सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन वाली रो में आ गए हैं इसे काउंट मत करिएगा ये एक्स्ट्रा स्टिच मैंने रखा है अपने लिए जिसमें मेरा डिज़ाइन कवर होगा तो आप इसे काउंट मत करिएगा तो आगे नेक्स्ट बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें अब यहाँ पे तीन स्टिचेस को हमें एक साथ बनाना है स्लिप करें दो स्टिच एक साथ बनाएं और स्लिप वाले स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे अब हमें यहाँ पे 43 स्टिचेस आपके होंगे इन्हें सारे स्टिचेस को सीधा बना लेना है आपने जब तक के आपके यहाँ पे तीन स्टिचेस वाला ना आ जाए जहाँ पे हमने तीन का एक करना है वहाँ तक के आपके स्टिचेस आप काउंट करोगे तो ये 43 स्टिचेस होंगे तो ये सारी रो सीधी बना लीजिए और एक बार आपने यहाँ पे तीन का एक करना है और उसके बाद यान ओवर करके सारी सिलाई सीधी बनेगी फिर उसके बाद आपने यान ओवर करना है और तीन स्टिचेस का तीन का एक करना है फिर यान ओवर करके सारी सिलाई सीधी बनाएंगे फोर्टी थ्री स्टिचेस में और एक सिलाई उसके बाद आप सीधे में बना के कम्प्लीट कर लें तो ये दो सिलाइया बना लें सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है सीधी सिलाई बना के कम्प्लीट कर चुके हैं हम अब यहाँ पे आपने यहाँ पे हमारा ये तीन का एक हो गया है जब तीन तीन का एक बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है एक सीधा बनाए धागा अपनी तरफ करें अगेन एक सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करें और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फोर्टी एट स्टिचेज जो आपके होंगे इन्हें आपने सीधा बनाना है ये जो है ये एक्स्ट्रा सिलाई है अगर आपके स्टिचेस कम होते हैं तो आप इसे इस तरह से बना के बढ़ा सकते हो एक रो और एक्स्ट्रा डाल के इसमें आप स्टिचेस को इंक्रीज कर सकते हो अगर नहीं करना है तो यहीं पे छोड़ दीजिए इसको और ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे आपने जब यहाँ पे एक कर दिया इसको तो ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया है अगर आपने स्टिचेस आपको कम लग रहे हैं इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे एक स्टिच सीधा बना के उसके बाद यान ओवर करके एक सीधा बनाएं और एक यान ओवर करके इस तरह से इसे बना के इसमें और आठ आठ और आठ सोलह स्टिचेस आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको स्टिचेस कम लग रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि जिस हिसाब से मेरी ऊन थी तो मुझे इतने ही स्टिचेस इनफ थे फोर्टी एट तक मेरा ये कंप्लीट हो गया है तो मैं इसे इतना ही रखूँगी ये एक मेरी एक साइड कम्प्लीट हो गई है डिज़ाइन की जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसका वन साइड मेरा ये कंप्लीट हो गया है ये बन गया इस तरह से अगर आप रखें तो ये देखें ये मेरी एक साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है इस तरह से यह बना है ये मेरा नेक में आ गया ये एक फिर उसके बाद ये एक फ्लावर बना है फिर उसके बाद ये ट्राइंगल बन गया और फिर ये चीज़ यहाँ इस तरह से आ गई है और ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हुआ है अब जो मेरी यान मैंने नौ नंबर की सिलाइयों में बनाया था और मेरी यान जो मेरी थी उसके हिसाब से आ, ये थोड़ी ज़्यादा खुल रही थी स्ट्रेची थी तो जो डिज़ाइन मैंने वो बनाया था नौ नंबर की सिलाई में तो वो नेक के अराउंड करीब साढ़े ग्यारह इंच था साढ़े ग्यारह बारह इंच तक आता है वो बनके अब ये जो मैंने बनाया है ये मैंने बारीक ऊन से बनाया है दस नंबर की सिलाइयों में सेम उतना ही डिज़ाइन है जितना ये आ, मेरा है आ, बनाया है मैंने उतना ही मैंने ये डिज़ाइन बनाया है सेम लेकिन अगर ये मैंने दस नंबर की सिलाइयों में बनाया था तो ये टोटल जो मेरा डिज़ाइन है ये साढ़े आठ इंच तक में कंप्लीट हो गया है साढ़े आठ इंच में बना है तो अब अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो मुझे इसको बॉर्डर भी बनाना पड़ेगा जैसे अगर मान लीजिए आपने दस नंबर की सिलाइयों में बनाया है बारीकून से तो आप पहले बॉर्डर बना लीजिएगा जिस तरह से अब मेरे यहाँ पे बच गया है तो मैं दो इंच का बॉर्डर बनाऊँगी और उसके बाद फिर इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करूँगी तो साढ़े इंच का मेरा ये बन जाएगा तो आधा इंच तो मेरा राउंड में चले जाएगा जो मेरे आर्म होल के नीचे चले जाएगा तो आठ और दो दस इंच ही मेरा ये टोटल बचेगा फिर से मेरा ये दस इंच इस इस हिसाब से बनेगा अगर आपकी ऊन बारीक होती है तो इसीलिए मैंने कहा था आप एक सैम्पल ज़रूर बना लीजिएगा कि चालीस ट्वेंटी uh, स्टिचेस रख के आप एक सैंपल बनाइएगा जिससे चार इंच या पाँच इंच बना लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कितनी सिलाइयों में आपकी लेंथ कंप्लीट हो रही है और कितने स्टिचेस में आपकी चौड़ाई कंप्लीट हो रही है तो इसकी मेजरमेंट जरूर करिएगा पहले एक सैंपल बना के फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाइएगा नहीं तो आप इतनी मेहनत करोगे इतना सारा डिज़ाइन बनाओगे और फिर वो चौड़ाई में या लेंथ में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपको उसको दोबारा से खोलना पड़ेगा तो इसके लिए एक छोटा सा सैंपल बना के दस मिनट लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है कैसा लगा डिज़ाइन मैसेज ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू